शिक्षक दिवस कर पूरे द्वीप समूह में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह पोबलर के टैगोर सभागार में आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा के अलावा विभाग के आला अधिकारी, दक्षिण अंडमान क्षेत्र के विद्यालयों के प्रमुख, अभिभावक, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कक्षा 6, 7 और 8 के लिए इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टीचिंग पर शिक्षकों के लिए मैनुअल तैयार करने वाले दल के सदस्यों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस वर्ष आयोजित परीक्षा में बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में शिक्षा सचिव ने एक सामाजिक परीक्षण की चर्चा कर समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के महत्व को बताया। एक छोटा सा स्टोरी में भी और एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर। एक सोशल स्टडी हुई थी कुछ दिन पहले इन इंडिया, वेयर इन अ स्मॉल रूम, एक कमरे में 4 लोग बिठाए गए थे। उनमें एक जन थे जो आर्मी के यूनिफॉर्म पहन के बैठे थे, टोपी पहन के, बहुत सारे स्टार्स लगा के, बहुत सारे मेडल्स लगा के बैठे थे। उनके पास एक और जन बैठे थे स्टेथोस्कोप लेके, और उनके पास एक महिला बैठी थी नॉर्मल सिंपल ड्रेसिंग, इंडियन ड्रेसिंग, सिंपल साड़ी पहन के बैठी थी, और उनके पास एक और जन बैठे थे लैब कोट पहन के। तो 4 जन बैठे थे, 50 लोगों को बुलाया गया वो चैम्बर में, वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक बुलाया गया वो चैम्बर में जहाँ पे ये 4 लोग बैठे थे। उनकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग जस्ट चार चेयर में बैठे हैं। और 50 लोगों को एक के बाद एक बुलाया जाता है कि आप इस चैम्बर में आइए और हमें बताइए कि भारतवर्ष के लिए सबसे ज़रूरी इन चारों में से कौन है। आउट ऑफ द 4 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपको कोई इंटरेक्शन नहीं करना है, आपको उनसे कोई बात नहीं करनी है, आपको सिंपल बताना है कि इन चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कौन है, एंड सेकेंड वन लीस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है। तो ये 2 चीज़ें उनसे पूछी गई थी। तो हर एक बंदा आया, एक ने बताया कि जो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं वो शायद आर्मी वाले हैं, तो आर्मी की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आर्म्ड फोर्सेस की, एनी आर्म्ड फोर्सेस, नॉट जस्ट आर्मी, नेवी भी, एयरफोर्स भी, क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके बिना भारतवर्ष रहेगी ही नहीं, तो इसलिए हमें आर्मी वाले या आर्म्ड फोर्सेस सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। और एक जो महिला बैठी है उनकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो क्या है, उनकी कोई ऐसे इंट्रोडक्शन भी नहीं लग रही है, देखने में सिंपल सी महिला लग रही है, तो उनका कोई ऐसा कोई शायद कंट्रीब्यूशन नहीं है, शी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर कैंडिडेट इन द सोसाइटी। ऐसे और एक जन आए, उन्होंने बताया कि जो लैब कोट पहन के बैठे हैं वो साइंटिस्ट है, तो उनकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ही नए नए आविष्कार करते हैं और उसी से सोसाइटी आगे बढ़ रही है, क्योंकि नए आविष्कार नहीं होंगे तो हम लोग अभी तक स्टोन एज और आयरन एज में रह चुके होते, तो नए आविष्कार हो रहे हैं इसलिए साइंटिस्ट की ज़रूरत है, तो लैब कोट जो पहने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और शायद ये महिला इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक तीसरे जन आए, उन्होंने बताया कि जो स्टेथोस्कोप लेके बैठे हैं वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना तो जीवन नहीं रहेगी, वो शायद डॉक्टर है तो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और महिला जो है वो ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके 50 लोगों जो आए
उनमें से एक भी जन ने वो महिला को सिलेक्ट नहीं किया ऑन प्रायोरिटी बेसिस। उन्होंने क्या बताया, वो तीन जो प्रोफेशन बाकी दिख रहे थे उनके सामने, उनको उन्होंने चूज़ किया और 50 out of 50 हैज़ चोजन दी लेडी कि इनकी इतनी शायद इम्पोर्टेंस नहीं है, सोसाइटी में इनकी ज़रूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन वॉज पुट टू दोस 4 पीपल सिटिंग इनसाइड द रूम। जो 4 बंदे थे वो रूम में जो बैठे थे, वो आर्मी डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर डॉक्टर और जो साइंटिस्ट थे और एक महिला थी, वो चारों से पूछा गया कि आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो वो जो चारों में जो 3 थे, आर्मी ऑफिसर डॉक्टर और जो साइंटिस्ट, उन्होंने बताया ये महिला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शी इज़ द टीचर फॉर ऑल 3 ऑफ अस, फॉर ऑल द 3 ऑफ अस शी वॉज आर टीचर। अपने निजी अनुभव को साझा करते हुए सचिव ने बताया कि प्राथमिक स्तर तक वे एक औसत छात्रा थी, लेकिन एक शिक्षिका के संपर्क में आने से उनके प्रदर्शन में अभूतपूर्व निखार आया। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मिंग, आई वॉज जस्ट एवरेज, शायद एवरेज से भी बिलो बता सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो जब मेरे पेरेंट्स आए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैम तो कुछ खराब बोलने वाली है बहुत। शी स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स that I did not believe, that my parents also did not believe. She told कि ये बहुत अच्छी है, student बहुत अच्छी है, इसको थोड़ी सी focus की ज़रूरत है and इसकी handwriting बहुत अच्छी है, तो थोड़ी सी effort लगाएगी तो she will go, she'll perform better. Those were the last time, that was the last time that I got a rank above 20. Thereafter, I never came down below 5th rank. The reason is similar teacher. अभी भी मुझे याद रहती है वो मैडम, क्योंकि वो उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, दैट कॉन्फिडेंस नो वन एल्स शोड इन मी। शी न्यू दैट ये स्टूडेंट जैसा भी हो, टीचर डज नॉट जज अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, कैसे दिखता है, कहाँ से आता है, क्या कर रहा है, उससे नहीं जज करती है। शी इज़ दैट, वो जो पारक होते हैं ना डायमंड के, वो है। तो शी इफेक्टिवली नोज कि कौन से टीचर, कौन से स्टूडेंट को क्या बताने से, क्या करने से, कैसे करने से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो स्किल है टीचर वाले, ये एवरी वन ऑफ अस इज हैविंग। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक लगन और परिश्रम के साथ विद्यार्थी का भविष्य बना सकते हैं। कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। रंग सजा कर तूने ये संगीत बनाया, सात सुरों के रंग सजा कर तूने ये संगीत बनाया। रे रे पम पम रे नी धा मरे रे सा, रे रे पम पम रे नी धा मरे नी सा, सा सा नी धा ग मरे नी सा ग ग म, सा सा नी धा ग मरे नी सा ग ग म, शिक्षा में गुण
प्रारंभम करिष्यामि, सिद्धि भ्रवतु मे सदा। मैं खुली आंखों से आपको एक नया सपना दिखलाता हूँ, कल के भारत से मैं आज के भारत को मिलवाता हूँ। ये जो नई नवेली कली खिली है, ये कल बगिये को सजाएंगे, आज देश सवार रहा इनका भविष्य, कल ये देश का भविष्य बनाएंगे। इन नन्हे मुन्हे जादूगरों का, इन नन्हे मुन्हे जादूगरों का मंच ये जग सारा है, डंडे चौक का गया जमाना, अब छाया जादुई पिटारा है। मुसलमान कौन जाने मुश्किल है, जगह से आए इंसानों को